दोस्तों 2023 जो कि आपको पता है कि अभी अगर आप देखें तो आज 27 तारीख है और ये महीना भी खत्म होने वाला है, मतलब जनवरी का महीना निकल भी गया और हमें पता भी नहीं चला। अब आपको पता है कि आपको 2023 में MT-15 का जो वर्जन 3 है वो जो मॉडल है वो देखने को मिल जाएगा और इसमें बहुत सारे चेंजेस भी होने वाले हैं और काफ़ी सारे जो चेंजेस है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंजेस जो है उसके बारे में मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। और जो MT-15 वर्जन 3 होने वाली दोस्तों आपको बता दूं वो इंडियन मार्केट में भाई तहलका मचाएगी नेकेड सेगमेंट में, क्योंकि ऑलरेडी इस बाइक का जो सेलिंग अभी बहुत ज़्यादा है, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद भी आ रही है। और दोस्तों जब यामा इसे और चेंज करेगा तो फिर लोग इसे और भी ज़्यादा पसंद करने वाले हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ ये जो छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों इस बाइक के चेंजेस के बारे में कि MT-15 वर्जन 3 में आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। सीधे पॉइंट में आते हैं, कोई टाइम पास नहीं करेंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि MT-15 वर्जन 3 में आपको सबसे पहला जो चेंज मिलने वाला है वो मिलने वाला है दोस्तों इस बाइक की ब्रेकिंग में। ब्रेकिंग में आपको बता दूं कि बाइक में अभी तक आप लोगों को यहाँ पे बता दूं सिंगल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलता था, लेकिन हम काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे थे कि यामा इसमें डुअल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम देगा। इवन वर्जन 1 में ही इसमें सिंगल चैनल आ रहा था, हमें तो ये उम्मीद थी कि जो मतलब वर्जन 2 आएगी उसमें भी डुअल चैनल ABS मिलेगा, बट नहीं मिला। बट मैं आपको क्लियर कर दूं दोस्तों कि अब नई वाली जो आएगी उसमें आप लोगों को वर्जन 3 में 110% बाइक में आपको डुअल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिल जाएगा, जो कि बाइक का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो अपडेट है वो आपको बाइक में मिलने वाला है। बात कर ली दोस्तों इस बाइक के नेक्स्ट अपडेट के बारे में तो है दोस्तों इस बाइक के स्पीडोमीटर में। दोस्तों स्पीडोमीटर में जो चेंज मिलेगा वो काफ़ी मेजर अपडेट मिलेगा। देखिए अभी आप लोगों को बाइक में फुली डिजिटल मीटर जो है इस बाइक में देखने को मिलता है, बट मैं आपको क्लियर कर दूं कि अब डिजिटल मीटर का जो जमाना है वो चला जा चुका है, ठीक है। अब जमाना है TFT डिस्प्ले का। सो मैं आपको क्लियर कर दूं दोस्तों कि अब आप लोगों को MT-15 वर्जन 3 में TFT डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। और आपको मैं क्लियर कर दूं कि अगर आप लोगों ने TFT डिस्प्ले नहीं देखा तो इन्होंने अपनी इंटरनेशनल मार्केट वाली MT-125 में ऑलरेडी इन्होंने TFT डिस्प्ले दे रखा है, उसमें आ गया, तो ऑब्वियसली बात है अपनी यामा की जो MT वर्जन 3 रहेगी उसमें आप लोगों को TFT डिस्प्ले देखने को मिलेगा। TVS वालों ने अपने तो राइडर 125 में दे दी भाई, तो फिर यामा तो MT-15 है और इतनी चलने वाली बाइक है तो ये लोगों को बहुत जल्दी दे देनी चाहिए। बात कर ले दोस्तों इस बाइक के नेक्स्ट अपडेट के बारे में तो है दोस्तों इस बाइक के इंजन में। देखिए इंजन का अपडेट में ऐसा है कि फिलहाल बाइक में कोई ज़्यादा अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, लेकिन हाँ एक अपडेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है कि अभी आपको बता दूं कि इसके इंजन में आपको किक शिफ्टर देखने को नहीं मिलता। देखिए आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि यामा की जो वर्जन 2 है, ठीक है, वो यामा की RN5 के बाद आई थी और RN5 में हमें जो है किक शिफ्टर देखने को मिलता है, तो यामा वालों ने इसमें किक शिफ्टर क्यों नहीं दिया, इसके जो मतलब कारण है भाई वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। ये क्या कारण हो सकता है भाई, ये कोई सेंस ही नहीं बनता कि आप इसमें किक शिफ्टर ना दें जबकि आप सेम इंजन यूज़ करते हैं, है ना। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, बट नो प्रॉब्लम, आप लोगों को नई वाली जो मतलब वर्जन 3 आएगी उसमें आपको 110% जो किक शिफ्टर है वो देखने को मिल जाएगा। बात कर ली दोस्तों इस बाइक के नेक्स्ट अपडेट के बारे में MT-15 वर्जन 3 के बारे में तो है दोस्तों इस बाइक के ग्राफिक एंड कलर ऑप्शन में। देखिए यामा एक चीज़ हमेशा मैंने देखा कि यामा वाले जब भी अपनी नई बाइक लाते हैं या बाइक में कोई अपडेट भी करते हैं तो उनमें नया ग्राफिक एंड नया कलर ऑप्शन में ज़रूर काम करते हैं। सो मैं आपको क्लियर कर दूँ कि आप लोगों को नई वाली MT-15 में नया ग्राफिक एंड नया कलर ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब देखते हैं वो ग्राफिक एंड कलर ऑप्शन कैसा होने वाला है, अच्छा रहेगा बुरा रहेगा वो तो बाद में ही पता चलेगा, बट हाँ ये है कि आपको वो चीज़ इसमें ज़रूर मिलने के देखने को मिलेगी, तो ये भी एक मेजर अपडेट जो है बाइक में आपको मिलने वाला है। बात कर ले दोस्तों इस बाइक के नेक्स्ट अपडेट के बारे में तो है इस बाइक की पिलियन सीट को लेकर। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि भाई जो MT-15 वर्जन 3 आएगी उसमें क्या इसकी पिलियन सीट बढ़ सकती है, तो वो सभी भाई लोग को मैं क्लियर कर दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। देखिए MT-15 जो है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पॉपुलर बाइक है और इसकी जो पिलियन सीट है वो ना इस बाइक की जान है लुकिंग वाइज में। अब दोस्तों मुझे लगता है कि यामा अगर इस चीज़ को छेड़ेगा ना तो फिर लोगों को वो चीज़ पसंद नहीं आएगी, तो पिलियन सीट को लेकर जो आप लोग सोच रहे हैं भाई कि ये चेंज हो सकता है तो वो बिल्कुल भी मत समझने वाला, ऐसा कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। मैं आपको क्लियर कर दूं दोस्तों, ठीक है, कोई भी ऐसा चेंज नहीं हो सकता। हाँ लेकिन एक चीज़ ऐसा ज़रूर हो सकता है कि भाई यहाँ पे जो पिलियन सीट है ना उसमें थोड़ी सी सीट क्वालिटी थोड़ी बढ़ाई जाएगी ताकि जो मतलब बंदा है रियर वाला वो थोड़ा कंफर्टेबल बैठ सके, बट ये कभी मत समझना कि इस बाइक की जो पिलियन सीट है वो बढ़ सकती है, तो इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी आप ना जाइएगा या रहिएगा, मतलब सोचिएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं इस बाइक के एक और नेक्स्ट अपडेट के बारे में तो है दोस्तों इस बाइक के टर्न सिंगल लैप। आपको पता है कि इस बाइक में अभी तक फिलहाल आपको टर्न सिंगल लैप जो है वो बल्ब देखने को मिलता है, बट नई वाली जो अपडेट आएगी उसमें आप लोगों को इस बाइक में LED टर्न सिंगल लैप 110% जो है आपको बाइक में देखने को मिलेगा, जो ये भी एक नया अपडेट जो है बाइक में आपको मिलेगा और जो टर्न सिंगल लैप है इसके काफ़ी ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं।
बात कर ले दोस्तों MT-15 के नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते भी रहते हैं कि भाई जो MT-15 है उसमें राइडिंग मोड्स कब आएंगे। TVS वाले अपनी सभी बाइक में राइडिंग मोड्स दे रहे हैं, बट ये लोग राइडिंग मोड्स कब देंगे? तो मैं उनको क्लियर कर दूं दोस्तों कि अब आपको 110% बाइक में राइडिंग मोड्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन ये है कि ज़्यादा राइडिंग मोड्स नहीं मिलेंगे जितने कि R15 वर्जन 4 में देखने को मिले, जो कि मेरे हिसाब से ज़्यादा यूजफुल भी नहीं है। सेम वही राइडिंग मोड जो आपको बाइक में मिलने वाले हैं। बात कर लेते हैं इस बाइक के लॉन्च डेट के बारे में। लॉन्च डेट में आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, आने वाले मेरे हिसाब से अगस्त मंथ में आपको MT-15 वर्जन 3 जो है वो इंडियन मार्केट में देखने को मिल सकती है। और अगर बात करें प्राइस के बारे में, तो प्राइस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये बाइक आपको अभी फिलहाल एक्सरूम प्राइस 1,65,000 मिलती है, बट नई वाली जब आएगी तब आपको अराउंड 170 के आसपास की एक्सरूम प्राइस जा सकती है। अब कौन कौन MT-15 वर्जन 3 का वेट कर रहा है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सुमित करते हैं दोस्तों आप लोगों को ये छोटी सी इंटरेस्टिंग वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।